हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं जिस मूवी एडिटर में विरल पूल का इफेक्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। विरल पूल का इफेक्ट मैं अप्लाई करूंगा पिक्चर के ऊपर, वीडियो के ऊपर भी आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक वीडियो पिक्चर ओपन कर लेता हूं, यहां से कोई भी पिक्चर लेता हूं। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो यहाँ से मैं एक फ्रेश व्यू पिक्चर कोई अच्छी सी ले लेता हूँ, जैसे कि ये कार वाली है। इसको इंसर्ट कर लेता हूँ टाइमलाइन के ऊपर। देखा, मैंने इंसर्ट कर लिया, इसका टाइम बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ के आप देखें, ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली, इसके ऊपर मैं विरल पूल जो इफेक्ट है वो अप्लाई करूँगा। वो कैसे करूँगा? इंपोर्ट फेड टाइटल इफेक्ट्स, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इफेक्ट्स के ऊपर। और दूसरे नंबर पर आता है वीडियो इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। वीडियो के ऊपर भी एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो मैं आपको इस पे पिक्चर के ऊपर करके दिखाता हूँ ज़रा, वीडियो के ऊपर मैं नहीं कर रहा, तो वो भी ऐसे ही होगा, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले ये करके दिखाते हैं वीडियो इफेक्ट। यहाँ पर लिखा होगा डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगी ऑप्शन विरल पूल की। तीसरे नंबर पे ऑप्शन आती है विरल पूल की। जब आप डिस्टॉर्शन पे क्लिक करोगे डिस्टॉर्शन पे, तो यहाँ पे आएगी विरल पूल की ऑप्शन। इसको आप देखें क्या करती है, ये देखें, है ना कमाल की चीज़। एक बात ये याद रखें, जब ये आप अप्लाई करें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लिखा होगा नीचे की फ्रेम, सेट अ न्यू की फ्रेम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम एक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें मेरा कर्सर भी है, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, तो इस पिक्चर को दोबारा सीधा करें या इस तरफ घुमाएँ, तो फिर एक की फ्रेम ऐड करते जाएँ, इसको थोड़ा सा आगे लेके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पिक्चर विरल पूल को सीधा करें, सीधी करें पिक्चर, यहाँ पे सीधी हो जाए बिल्कुल 50% पे आ जाए, आपने नोट कर लें। फिर एक की फ्रेम ऐड करें, उसके बाद फिर आगे को लेके जाएं, फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाएं, जैसे आपकी मर्जी है वो घुमाएं। ये है यहाँ पे की फ्रेम, ये देखो बटन है यहाँ पर की फ्रेम का, और यहाँ पर देखें की फ्रेम ऐड हो जाएगा। यहाँ आगे लेके आएँ, फिर वापस आ जाए। ये एक स्टाइल बनाने का आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हो, की फ्रेम ऐड करते जाएं। ये देखें, ठीक है, आप देखें मैं क्या करता हूँ। ये देखें, जहाँ जहाँ पे मैंने की फ्रेम ऐड किया, शुरू से मैं कर्सर को आगे लेके जाऊँगा, देखें क्या करती है। ये देखें ऐसे वीडियो चलेगी, और ये की फ्रेम जहाँ तक ऐड हुए हैं वहाँ तक भी देखें क्या क्या फंक्शन हो गए हैं, ठीक है। ये है विरल पूल, ऊपर आप देख ही भी सकते हो, ठीक है। ये टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ आगे पीछे, यहाँ तक मैंने की फ्रेम ऐड कर ली। ये डार्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, इसको आगे पीछे भी लेके जाएंगे, आगे बिल्कुल ठीक है। और आप इसको सीधा कर दें यहाँ, और यहाँ पर देखें की फ्रेम एक ऐड हो गया, और इसको की फ्रेम को ऐड कर दें, इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, यहाँ तक मैं कर्सर आगे पीछे लेके जाऊँगा तो की फ्रेम काम कर रहा है। विरल पूल इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो, ये इफेक्ट आप टेक्स्ट पे भी ऐड कर सकते हो और वीडियो पे भी ऐड कर सकते हो। वीडियो पे भी करके दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो इम्पोर्ट करने लगा हूँ पाकिस्तान, इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। वीडियो के ऊपर भी सेम इसी तरह काम करेगा, इम्पोर्ट ओनली। देखें यहाँ पे मैंने इसको कट करता हूँ दो हिस्सों में, तो फिर यही है, ठीक से छोटी कर लेता हूँ पिक्चर वीडियो, ठीक है। तो आप देखें ये मेरे पास वीडियो है, इफेक्ट्स पे जाऊँगा, वीडियो इफेक्ट, डिस्टॉर्शन, और यहाँ पे विरल पूल है। ये भी वीडियो में भी ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने की फ्रेम ऐड किया, यहाँ देखें मैंने की फ्रेम ऐड किया और इसको कर्सर को आगे ले गया, और वापस इसको मैं फिर घुमाता हूँ दूसरी तरफ या यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ, यहाँ की फ्रेम का लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे मेरा कर्सर भी मौजूद है, और फिर यहाँ से कर्सर को, ये देखें यहाँ से, ये नीचे से नहीं मैं कर रहा, ये ऊपर से कर्सर को आगे पीछे कर रहा हूँ, और यहाँ से विरल पूल को दोबारा सीधा करूँगा। देखें यहाँ पे एक ऐड किया, ऐसे ही आप की फ्रेम ऐड करते जाएँ। और भी इफेक्ट साथ में अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही इफेक्ट हो। देखें थोड़ा सा आगे किया, की फ्रेम ऐड किया, आप इसको कर्सर को पीछे लेके आता हूँ, यहाँ जहाँ तक मैंने कि ये विरल पूल वीडियो इफेक्ट अप्लाई किए हैं वहाँ वहाँ पे आप देखें कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये वीडियो आगे नहीं करेगा, इस तरह ये काम करता है विरल पूल इफेक्ट।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को समझ आ गई होगी। मसला परेशानी हो तो मेरी वीडियो को नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।